मूवी की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड से, जिसका नाम यून इसियो है। तो इसियो एक यंग लड़की है और ये इंटरनेट इन्फ्लुएंसर है। छोटी मोटी कंपनी इसियो को हायर करती है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, और इसके लिए वो इसियो को पे नहीं करते, जस्ट कुछ अच्छे क्लोथ्स दे देते हैं अपने ब्रांड के। जितनी पॉपुलर और जितनी खुश इसियो अपनी सोशल लाइफ में थी, उससे उल्टा उसकी रियल लाइफ में था। इसियो के पास पैसे नहीं थे, बिकॉज इसियो कोई नौकरी नहीं करती थी, वो जस्ट एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी जिसके इंस्टाग्राम पर 10K फॉलोअर थे, और बेचारी ने 2 महीने से अपने कमरे का किराया भी नहीं दिया हुआ था। ये प्रॉब्लम्स कम थी इसियो की लाइफ में कि उसका बॉयफ्रेंड भी उससे ब्रेकअप करके चला जाता है कि तू जस्ट सुंदर है, ना तेरे पास नौकरी है, ना फ्यूचर को लेके तेरे कुछ प्लान है, बस तू सुंदर है और तू अपने बारे में केयर करती है। ये कहकर उसका बॉयफ्रेंड वहाँ से चला जाता है। इसियो पहले तो शांत रहती है, देन एकदम से अपने बॉयफ्रेंड पे चिल्लाने लग जाती है, उसे मारने लग जाती है। ये हद है, तो ऐसा कैसे बोल सकता है? माना मैं नौकरी नहीं करती, पर जब भी हम डेट में आते थे हम आधा आधा पे करते थे। बेचारी हमारी इसियो, जिसके पास अपना नौकरी है ना बॉयफ्रेंड, टोटल सिंगल गर्ल, बेचारी सैड होकर जा रही होती है कि इतने में उसके टॉप पर कोई कॉफ़ी गिरा जाता है। बेचारी का एक तो दिन खराब, ऊपर से किस्मत खराब। देन बेचारी बस स्टैंड पर बैठी होती है, और इतने में उसके फ्रेंड की एंट्री होती है, जो 5 ईयर से उसका बेस्ट फ्रेंड है। तो इसका नाम केवोन है। वो कार में आते ही इसियो को अपनी जैकेट देता है उसे कवर करने के लिए, लाइक उसके लिए केयर दिखाता है, और उसे पूछता है और क्या हालचाल, क्या चल रहा है। और इसियो से बताते हैं कि उसका ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है। इसियो यहाँ केवोन को पूछती है, बता मैं क्या काम करती हूँ, जिस पर केवोन बोलता है तो कुछ काम नहीं करती, तो वेली है। जिस पर इसियो बोलती है पागल है तुम, और मारती है उसको, और बोलती है कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ। जिस पर केवोन बोलता है अरे समझ जाना, मान लेना तो कुछ काम नहीं करती, इन्फ्लुएंसर है, उससे तेरे को पैसे तो नहीं मिलते ना। और वो रस्ते में यूरा की फोटो देखते हैं। यूरा और कोई नहीं, इसियो की कंपिटिटर थी स्कूल टाइम से ही, और इस टाइम उसके फॉलोअर्स ज़्यादा थे, इस वजह से हर कंपनी उसको एडवर्टाइज़ करना चाहती होती है। यूरा की फोटो देखकर केवन भी बोलता है हाय कितनी सुंदर है, जिस पर इसियो बोलती है वो सुंदर है कि मैं सुंदर हूँ, तो अभी पता, 5 सेकंड दे रही हूँ तेरे को। जिस पर केवन बेचारा अरे देवी जी आप ही सुंदर है, आप ही सुंदर है। केवन इसियो को जैसे उसके घर ड्रॉप करता है, साथ में वो उसे ये बता देता है कि मैंने अपनी कंपनी में तेरे लिए बात कर ली अपने बॉस से, तो कल आज यो लाइक तेरी नौकरी की बात कर लिया, जिसे सुनकर इसियो इतनी खुश हो जाती है कि केवन को वो एकदम से हग कर लेती है। और यहाँ केवन भी काफ़ी सरप्राइज हो जाता है, बट स्टिल वो भी खुश होता है। घर आकर इसियो यूरा का सोशल अकाउंट देख रही होती है, और वो देखती है उसने अपनी फ़ोटो को कुछ ज़्यादा ही एडिट करा है, और इतने में वो देखती है कि उसके फर्स्ट लव की फ़ोटो यूरा के साथ है। एक्चुअली यूरा और इसियो का फर्स्ट लव एक ही पर्सन था, और फिर इसियो सारी रात लगाकर अपने फर्स्ट लव को सोशल मीडिया पर ढूंढने लग जाती है, जो उसे नहीं मिलता, जिसके चक्कर में वो सुबह इंटरव्यू के लिए लेट हो जाती है। और बेचारी भागते हुए अपने इंटरव्यू के लिए पहुंच रही होती है, बट इतने में इसियो गिरने वाली होती है, बट उसे पकड़ लेता है कौन, उसका फर्स्ट लवर, जिसको वो सारी रात इंटरनेट पे ढूंढ रही थी और जिसको वो नहीं मिला था। तो इसका नाम सुनवू है, जो कि स्कूल टाइम पे इसियो को ज़रा भी घास नहीं डालता था, और वो इसियो को देख कर पहचान ही नहीं पाता। एक्चुअली सुनवू एकदम से स्कूल छोड़कर बाहर पढ़ने चला गया था, और 10 साल बाद वो वापस आया था, और वो इसियो को इस तरह मिल रहा था। देन इसियो अपने आप को संभाल कर साइड होती है, सुनवू उससे पूछता है क्या वो ठीक है, इतना कहकर वो वहाँ से जाने लग जाता है। और इसियो इतने एक्साइटमेंट में थी कि वो सुनवू को पूछती है कि हम फिर से मिल सकते हैं, और वो इस बात से खुद ही एम्बेरस होकर वहाँ से भाग जाती है। और यहाँ सुनवू का रिएक्शन लाइक वो थोड़ा कंफ्यूज था। देन इसियो केवोन के बॉस से मिलती है, और बॉस भी इसियो के बारे में सुनकर काफ़ी खुश था। एक्चुअली इनकी कंपनी ऐसी होती थी जो प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करती थी। यहाँ बॉस इसियो को बोलता है कि तुम्हारे पर्सनल रीजन की वजह से मैं तुम्हें तुम्हारी फ्रेंड के साथ टीम में काम करने नहीं दे सकता, इसके बजाय तुम टीम वन में काम करोगी। और टीम वन का लीडर और कोई नहीं, सुनवू होता है, और जो वहाँ आता है और इसियो से काफ़ी प्रोफेशनली वे में मिलता है। और इसियो यहाँ अपने सपनों की दुनिया में, क्या ये हमारी किस्मत तो नहीं है जो हमें ऐसे मिला रही है। देन सुनवू इसियो को बाकी टीम मेंबर्स से मिला देता है। देन इसियो का उसका फ्रेंड केवोन अपने साथ ले जाता है ड्रिंक के लिए, लाइक कॉफ़ी ड्रिंक। केवन यहाँ अपने बॉस से थोड़ा नाराज़ था, बिकॉज वो सोच रहा था कि इसियो को उसने मेरी टीम में क्यों नहीं भेजा, अपोजिट टीम में क्यों भेज दिया। बट इसियो यहाँ पे बात संभाल लेती है कि बॉस ये बोल रहे थे कि टीम वन को मेंबर की ज़रूरत है इसलिए। देन केवन अपने फ्रेंड को बोलता है कि तेरी टीम में कोई भी बात हुई ना मेरे को बताना। बट इतने में वहाँ पर सुनवू की एंट्री हो जाती है। अब सुनवू और केवन में तो 36 का आंकड़ा, अब अपोजिट टीम वाले हैं तो होगा ही ना। यहाँ सुनवू और केवोन में लड़ाई होने लग जाती है, और सुनवू केवोन को सुना देता है एक्चुअली केवोन की टीम ने पिछले 5 महीने से प्रोडक्ट की सेल अच्छे से नहीं की होती, जिस वजह से सुनवू उसको ये टॉन्ट मारता है और इसियो का हाथ पकड़ कर ले जाता है कि मेरी टीम वालों की मीटिंग होने वाली है। और केवोन यहाँ पर कुछ नहीं बोल पाता। जब उसको रियलाइज़ होता है कि उसने इसियो का हाथ बहुत टाइटली पकड़ा है, तो उसका हाथ छोड़ देता है, और सीरियसली उसको ये भी बोल देता है कि तू मेरी टीम में है, चाहे केवोन तेरा कितना ही अच्छा फ्रेंड हो, पर तू हमारी टीम की बातें उससे शेयर नहीं करेगी। देन सुनवू इसियो को अपनी कंपनी के मॉडल से मिलवाने लेके जाता है, जो कोई और नहीं होती, यूरा होती है। और इसियो उसको देखकर छुपने लग जाती है, बट यूरा उसे पहचान लेती है। और अब इन दोनों में भी तो 36 का आंकड़ा होता है, क्योंकि बचपन से दोनों सुनवू को ही पसंद कर रही होती है स्कूल टाइम से।
फिर क्या था, फिर यूरा इसीओ की बैंड बजाने लग जाती है कि इंस्टाग्राम पे तो तू बहुत अलग दिखती है बट रियल में तू पार्ट टाइम वर्क कर रही है, तेरी सैलरी भी कम होगी। ये सुनकर इसीओ भी फ्रेंडली एक्ट करते हुए बोलने लग जाती है, ओह तू तो अपनी फोटो को इतना ओवर एडिटिंग करती है कि पूछ मत। ये सुनकर वहां पर सभी जितने भी मेंबर बैठे थे उनको एक तरह से हंसी आने लग जाती है। तो तूने तो अपनी आंखों की भी सर्जरी करवाई है, ओहो हो इतना फेमस होने के लिए और अपनी ब्यूटी को इतना कायम रखने के लिए इतनी सर्जरियां तो करनी पड़ती होगी। मैं बेचारी पार्ट टाइमर, मेरे पास तो पैसे नहीं होते हैं, मेरी तो जितनी भी ब्यूटी है नेचुरल है। लाइक वो एक तरह से यूरा की बैंड बजा रही थी। अब यूरा भी इसीओ को टोंट मारती है, ओ मैंने तेरे को 10 साल बाद देखा, तूने अपना वेट इतना लूज कर लिया है कि मैं तो तेरे को पहचान ही नहीं पाई। और ये सुनकर कहीं ना कहीं सुनवू को भी लगता है कि इसीओ शायद उसी के स्कूल से पढ़ी होगी। और यहाँ पर इसीओ चुप हो जाती है बिकॉज स्कूल टाइम से लेकर अब तक उसने अपना वेट काफ़ी लूज करा होता है और अपने आप को काफ़ी सुंदर मेंटेन करा होता है और ये बात सुनवू को पता नहीं होती और इसीओ उसके सामने बात बोलना भी नहीं चाहती होती। यहाँ केवन अपने प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट फंड के लिए अपनी सीनियर के पास जाता है और उनको काफ़ी मक्खन लगाता है कि आप तो कितनी सुंदर हो, ये हो वो, आपको तो मिस कोरिया होना चाहिए। और जिस पर उसकी सीनियर भी उसे फंड देने के लिए मान जाती है, देन केवन उनके लिए कॉफ़ी लेने जाता है। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि केवन अपने फ्रेंड्स के साथ एक सामूहिक ब्लाइंड डेट पर आया था जहाँ पर वो इसीओ से मिला था और तब से लेकर अब तक दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। देन सुनवू इसीओ के पास आता है सॉरी फील करने कि उसने उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ा था एंड वो उसे पूछने वाला था क्या वो उसी के स्कूल में पढ़ी है, बट इतने में इसीओ का फ़ोन बज जाता है। एक्चुअली उसका एक्स बॉयफ्रेंड जिससे उसने अभी अभी ब्रेकअप करा था वो उसको और नंबरों से कॉल करने लग गया था, बट इसीओ कॉल पिक नहीं करती और सुनवू बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे इसीओ को फिर से उसके एक्स बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, इस बार इसीओ कॉल उठा लेती है और बोलती है कि तूने मुझसे ब्रेकअप करा था, मैंने तुझसे नहीं, और मेरा रूल है कि जैसे ही ब्रेकअप होता है मैं नंबर ब्लॉक कर देती हूँ और फालतू में मेरे को कॉल मत कर। देन यूरा ऑफिस से घर जाने लग जाती है और वो जानबूझ के नाटक करती है कि उसे चक्कर आ रहा है ताकि सुनवू की उसे अटेंशन मिले, होता भी कुछ ऐसा है, सुनवू से पूछता है मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ, बट साथ में वो इसीओ के घर का एड्रेस भी पूछता है कि अकेले मतलब यूरा को छोड़ना थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा इसलिए तुम भी साथ चलो। उसे छोड़ने के बाद सुनवू इसीओ को उसके घर छोड़ने जा रहा होता है और यहाँ कार के अंदर इसीओ काफ़ी नर्वस हो रही होती है और ऑकवर्डनेस को दूर करने के लिए सुनवू रेडियो ऑन करता है, इसमें भी फर्स्ट लव की बातें चल रही होती है। ये सुनकर तो इसीओ की और हवा टाइट हो जाती है और वो बातों बातों में सुनवू से पूछती है कि आपकी कोई फर्स्ट लवर रही होगी, जिस पर सुनवू बोलता है कि किसकी नहीं होती, सभी की होती है, मेरी भी फर्स्ट लवर है बट मुझे आज तक नहीं पता कि वो किस टाइप की पर्सन थी बिकॉज मैं अपना स्कूल छोड़कर अब्रॉड चला गया और जब मैं बाहर पढ़ने चला गया मुझे तब पता चला कि वो मेरी फर्स्ट लवर थी, अगर मैं उससे पहले ही क्लोज हो जाता या उसके कॉन्टैक्ट में होता तो शायद कभी मैं अब्रॉड पढ़ने जाता ही ना। ये सुनकर इसीओ मन में सोचती है जैसे सुनवू मेरा फर्स्ट लवर है, काश मैं भी उसकी फर्स्ट लवर होती। बट इतने में सुनवू ने इसीओ को ड्रॉप कर देता है और यहाँ पर इसीओ मून को देखते हुए बोलती है कि मून आज भी इतना सुंदर है और उस टाइम भी इतना सुंदर था कि जब मैं अपने फर्स्ट लवर को चुपके से देखा करती थी और वो अपनी फुटबॉल की प्रैक्टिस किया करता था। इसीओ अपने घर जाती है और क्या देखती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड अभी भी उसे कॉल कर रहा था। एक्चुअली उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसी के घर के बाहर था और उसको कॉल कर रहा था बट इसीओ उसका कॉल पिक नहीं करती। नेक्स्ट डे ऑफिस में केवन इसीओ को अपने साथ लंच पे ले जाता है और यहाँ पर वही बॉलीवुड का सीन। देन केवन उससे उसकी टीम के प्लान पूछने लग जाता है कि वो अपने प्रोडक्ट को इस बार कैसे एडवर्टाइज करने वाले हैं, पर यहाँ पर इसीओ अपने फ्रेंड को बोलते हैं कि देख यार हम अपोजिट टीम में हैं तो मैं अपनी टीम की बातें ऐसे तेरे से डिस्कस नहीं कर सकती और तेरे को भी पता है कि मैं झूठ नहीं बोलती। आफ्टर लंच इसीओ अपनी टीम के साथ कैचअप कर लेती है और यहाँ पर सुनवू भी इसीओ को कुछ ज़्यादा अटेंशन और अच्छे से ट्रीट कर रहा था, इवन काम में भी उसकी हेल्प करता है और जिसकी वजह से इसीओ के फेस से स्माइल नहीं जाती। अब वे उसका फर्स्ट लव उसकी इतनी हेल्प कर रहा है और ये देखकर कि वो उनको कुछ खास अच्छा नहीं लगता बिकॉज उसे बुरा लगता है कि दूसरे बंदों की तरफ कि औरों को देखकर स्माइल करती रहे, मेरे को देखकर तो स्माइल नहीं करती। अरे ये बात वो अपने मन में बोल रहा होता है। देन हमें 2010 का सीन दिखाया जाता है जब इसीओ अपनी लाइब्रेरी से भागकर छुपकर अपने फर्स्ट लव सुनवू को बास्केटबॉल खेलते हुए देख रही थी, बट इतने में उसकी मम्मी का कॉल आता है और वो टर्न करती है और यहाँ पर सुनवू को भी पता होता है कि उसे कोई देख रहा है एंड वो उसके लिए कॉफ़ी कैन वहाँ पर रखकर चला जाता है। और इतने में जब इसीओ पलटती है तो वो वहाँ पर देखती है कि सुनवू नहीं है और वो वहाँ से चली जाती है और वहाँ पर वो कॉफ़ी कैन को नहीं देख पाती। और यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि सुनवू का फर्स्ट लव कोई और नहीं इसीओ ही है। इसीओ नेक्स्ट डे तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल रही होती है बट इतने में वो क्या देखती है, उसके घर के बाहर उसका एक्स बॉयफ्रेंड बैठा हुआ है जो उसको बोलता है क्या हुआ तू मेरे कॉल पिक नहीं कर रही थी इसलिए मैं यहाँ पर आ गया और क्या तू मेरे को किसी और के साथ चीट कर रही है, उस दिन मैंने देखा कि तू किसी और की कार से आई। जिस पर इसीओ उस पर भड़क जाती है, पहले तो ब्रेकअप तूने मुझसे करा अब तू मुझसे कुछ पूछ रहा है।
ये कुछ मतलब नहीं बनता, ब्रेकअप हो चुका है। ये सुनकर उसका एक्स एकदम से गुस्से में आ जाता है और बोलने लग जाता है, अगर ब्रेकअप मैंने करा था तो तब से कॉल भी मैं ही कर रहा हूँ ना। और वो इसीओ का पर्स छीन कर उसमें से चाबी ढूंढने लग जाता है और उसको फोर्स करने लग जाता है कि चल अपने घर का दरवाजा खोल, अंदर चलते हैं। जिस पर इसीओ मना करती है और उस पर गुस्सा करने लग जाती है, क्या मतलब बनता है, तो साइकोपैथ की तरह बिहेव क्यों कर रहा है, ब्रेकअप हो चुका है। जिस पर उसका एक्स एकदम से दीवार पर जोर से हाथ मारता है और इसीओ यहाँ हेल्प के लिए चिल्लाने लग जाती है एंड उसका बॉयफ्रेंड उसका मुंह बंद करता है। बट इसीओ उसको धक्का देती है और अपने फोन से वो पुलिस वाले को कॉल करने वाली होती है, बट इतने भी उसका बॉयफ्रेंड उसके हाथ से वो फोन भी ले लेता है और उसको बहुत जोर से मारता है। और इसीओ का फेस रोने वाला हो जाता है और वो अपने एक्स को बोलती है कि मैंने जितना सोचा था ना, तो उससे भी गिरा हुआ इंसान निकला है। और वो अपने एक्स की आंखों में आंखें डालकर बोलती है कि तूने मुझे मारा है ना, अच्छी बात है, और मार, ताकि मैं इसको पुलिस वालों को दिखा के ना तुझ पे और केस डाल सकूं और तुझे पता चले इस बार तूने ना गलत बंदी से पंगा लिया है। यार हर पर्सन को ऐसा होना चाहिए, ना बुरा करो ना बुरा सहो। इतने में वहाँ पर पुलिस की एंट्री हो जाती है और इसीओ अपने ऑफिस में कॉल करके बता देती है कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ ये पंगा हो गया, इस वजह से वो ऑफिस नहीं आ पाएगी। और उसकी कलीग ये बात सुनवू को बता देती है कि इसीओ के साथ ये पंगा हो गया, और सुनवू फटाफट इसीओ को देखने भाग जाता है पुलिस स्टेशन के लिए। यहाँ पुलिस स्टेशन में अलग ही सीन चल रहा होता है। पुलिस वाला इसीओ को बोल रहा होता है कि अपने एक्स बॉयफ्रेंड पे ऐसे ऐसे केस मत डालो कि उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा, और कोर्ट के चेहरे के चक्कर में बहुत पंगा है, तो आप अपनी बात को यही सॉर्ट आउट कर लो। बट इसीओ बोलते हैं कि नहीं, वो मेरे घर पे आया, उसने मेरे को मारा, इतना हरास करा, और देखो मेरे हाथ पे नील पड़ा हुआ है, मेरे को केस रफा दफा नहीं करना है, इस पर अभी के अभी केस डालो। अच्छा मतलब मैं अपने साथ कुछ होने का वेट करूं, मुझे आपकी बातें कुछ समझ नहीं आ रही, इसके ऊपर अभी के अभी केस डालो। बट पुलिस वाला मान नहीं रहा था। बट इतने में सुनवू अपने फ्रेंड के साथ आता है और उसका फ्रेंड लॉयर होता है, और वो वहाँ से इसीओ का हाथ पकड़ कर ले जाता है। बाहर में इसीओ सुनवू को बोल रही थी कि उसे अपने ऐसे लॉयर फ्रेंड को नहीं लाना चाहिए था, अगर न्यूज़ वगैरह में बात आ गई तो कुछ ज़्यादा ही रायता फैल जाएगा। बट सुनवू उसे बोलता है कि तुम्हारी सेफ्टी से इम्पॉर्टेंट तुम्हारा काम भी नहीं है, तो मतलब चिल रहा है। सुनवू इसीओ को घर ड्रॉप करता है, बट वहाँ पर केवोन आ जाता है और वो इसीओ से पूछने लग जाता है कि क्या हो गया, क्या बात होगी, तूने मुझे नहीं बताया। एक्चुअली केवोन को गुस्सा इस बात से आया होता है कि मैं इसका 5 साल पुराना फ्रेंड, इसने मुझे नहीं बताई ये बात और सुनवू को बता दी। यहाँ पर सुनवू केवोन पे गुस्सा करने लग जाता है कि शांत रहे, आज के लिए इसीओ ने बहुत कुछ देख लिया है। बट केवोन उल्टा उसी पर भड़क जाता है कि तू अपनी बकवास बंद कर ले, तुझसे बात नहीं कर रहा, इससे बात कर रहा हूँ। इसीओ जब देखती है कि दोनों हद से ज़्यादा ही लड़ने वाले हैं, तो वो केवोन को शांत करती है और बोलती है कि तुम घर जाओ, मैं तुम्हें कॉल कर लूँगी। और वो सुनवू को अपने साथ घर के अंदर ले जाती है। और यहाँ सुनवू अपने फ्रेंड से बात कर रहा था कि केस को कोई रफा दफा नहीं करना, तू अड़ा रहा है। और यहाँ पर इसीओ अपने फर्स्ट लव को निहारी जा रही थी एंड सुनवू उसके पास देख कर बोलता है कि क्या हो गया कि तुम मेरे फेस को ऐसे देखी जा रही हो, क्या बात है। बट इसीओ उसके लिए पानी लेने भाग जाती है। और यहाँ पर सुनवू इसीओ का घर देखने लग जाता है और वो स्कूल मैगजीन को खोल के देखने वाला होता है। बट इतने में इसीओ आकर उससे वो ले लेती है और बोलती है ये 10 साल पुरानी फोटोज़ ये क्यों देखनी। और यहाँ पर सुनवू इसीओ को बोलता है कि तुम मेरे स्कूल से थी कि तुमने ये बात मुझे बताई भी नहीं, ना तुमने मुझे हेलो वगैरह बोला, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। और यहाँ पर इसीओ मन में खुश हो रही होती है, तो पहचानता भी कैसे, मैंने उस टाइम से लेके अब तक 15-20 किलो वज़न अपना घटाया है। देन केवोन उसे फ्रेंड यूनियन पर इनवाइट करता है, और जिस पर जाने से इसीओ कितने टाइम से टल रही थी। देन यहाँ पर इसीओ केवोन को मैसेज कर रही होती है, बट स्टिल वो उसके कोई भी मैसेज का रिप्लाई नहीं करता। देन इसीओ सुनवू के साथ अपने फ्रेंड यूनियन में चली जाती है, जहाँ पर यूरा भी होती है। और इसीओ इतने टाइम बाद आई होती है और इतनी सुंदर हुई होती है कि सारे अटेंशन इसीओ को देख रहे थे, जिसे देखकर यूरा को वैसे नहीं अच्छा लगता। और जब इसीओ ड्रिंक करने लग जाती है तो उसके हाथ से ड्रिंक सुनवू लेके पी लेता है। ये देखकर यूरा और भी जल जाती है और ज़्यादा ड्रिंक करने लग जाती है। और इसीओ यहाँ वॉशरूम के लिए उठ जाती है, और यहाँ पर यूरा ने इतनी ड्रिंक कर ली होती है कि वो सुनवू को पूछ लेती है कि स्कूल टाइम से तेरे को पता है ना मैं शुरू से तेरे को लाइक करती हूँ। पर जिस पर सुनवू से बोलता है कि मैं तेरे को अपनी बहन की तरह मानता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और जिस पर यूरा पूछती है तो इसीओ को तो कैसे मानता है, जिस पर सुनवू कुछ नहीं बोलता और जाने लग जाता है। एंड यूरा उसका हाथ पकड़ लेती है, बट सुनवू अपना हाथ छुड़वा कर इसीओ के पास चला जाता है। एक्चुअली सुनवू यूरा से इस बात से भी नाराज़ था क्योंकि यूरा ने उसे नहीं बताया था कि इसीओ उन्हीं के स्कूल में पढ़ी है। इसीओ के पास चला जाता है और इसीओ ने यहाँ पर ड्रिंक की होती है और वो काफ़ी क्यूट एक्ट कर रही होती है, और उन दोनों को ऐसा साथ खड़ा देखकर यूरा को और ज़्यादा जेलस होती है। नेक्स्ट डे जब वो कंपनी में आती है तो वो इसीओ से काफ़ी बदतमीजी से बात करती है। देन वो अपने लाइव ब्रॉडकास्ट में जाके प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करती है, और उनकी सेल बढ़ाने के बाद बिना किसी से बात किए कंपनी से चली जाती है। और यहाँ पर सीईओ यानी कि बॉस सुनवू को बुलाता है और पूछता है कि यूरा के साथ आखिर ऐसा क्या हो गया कि उसने मुझे फ़ोन करके बोला है कि वो टीम वन के साथ काम नहीं करना चाहती। अब जैसे कि हमने यूरा को कंपनी के लिए साइन कर रखा है, तो मैं अब यूरा को टीम टू में डाल रहा हूँ उसके साथ काम करने के लिए। जिसे सुनकर सुनवू केवोन पे चिढ़ पड़ता है कि यूरा को मैं लाया था इस कंपनी में इंट्रोड्यूस करवाने, अब टीम टू को कैसे बोल सकते हो। बॉस यहाँ सुनवू की कोई बात नहीं सुनता और उसे नेक्स्ट लाइव की तैयारी करने को बोलता है। और ये बात सुनवू अपने टीम मेंबर्स को भी बताता है, और ये भी बताता है कि वो यूरा को कब से कॉल कर रहा है, बट यूरा उसकी कॉल पिक नहीं कर रही। और
यहाँ पर इसियो भी यूरा को कॉल करने लग जाती है एंड वो सुनवू को बोलती है क्या वो अपने फ्रेंड केवन से इस बारे में बात करे, बट सुनवू से बोलता है कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं फेयर खेलना चाहता हूँ। बट इसियो हार मानने वालों में से कहाँ थी, वो यूरा के ऑफिस पहुँच जाती है उससे बात करने के लिए कि आखिर रीज़न क्या है कि तू टीम वन के साथ काम नहीं करना चाहती, बता मुझे। तो यूरा यहाँ पर बोलती है कि मैं सुनवू की कंपनी में इसलिए आई बिकॉज सुनवू वहाँ पर था, और जब से तू आई तूने सब कुछ ख़राब कर दिया, अगर तू टीम टू में चली जाती है तो मैं टीम वन में वापस आ जाऊँगी। ये सुनकर इसियो को यूरा पे हंसी आती है कि हद है, जस्ट इतनी सी बात के लिए तो टीम टू में चली गई, मैं तेरे को ना अपनी इंस्पिरेशन मानती थी बट सॉरी आगे से तू मेरी इंस्पिरेशन के लायक नहीं है। ये बोलकर इसियो वहाँ से जाने लग जाती है और यूरा को भी गुस्सा आ जाता है और दोनों में बिल्ली वाली फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है, एक दूसरे के बॉल पकड़ने वाली। बेचारी बिखरे हुए बालों की हालत में घर पहुंचती है और वहां पर उसका फ्रेंड केवन होता है जिसे देखकर इसियो रोने लग जाती है और केवन उसकी चोटों पर दवाई लगाने लग जाता है। और यहां पर इसियो, लड़ाई मैंने नहीं स्टार्ट करी थी, उसने स्टार्ट की थी। और केवन, हाँ हाँ पता है मेरे को। देन केवन इसियो को अपनी टीम में आने का बोलता है कि अब तो यूरा भी मेरी टीम में आ गया तो तू भी मेरी टीम में आ जा, बट इसियो उसे मना करती है कि नहीं मैं तेरी टीम में नहीं आने वाली, मैं अपनी टीम में रहकर ही काम करूंगी। जिस पर केवन चढ़ जाता है कि तू मेरी टीम में क्यों नहीं आना चाहती, चल छोड़ पर मैं तेरे को पसंद करता हूँ। ये सुनकर इसियो एकदम से शांत, और सीन कट होकर नेक्स्ट डे पे शिफ्ट होता है जहाँ पर दोनों ऑफिस में होते हैं लाइक लिफ्ट में, और वहाँ दोनों में ऑकवर्डनेस होती है और हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जिस पर केवन ने इसियो को बोला था कि देख मैं तेरे को प्रेशर नहीं कर रहा और मैं तेरे को ये नहीं कह रहा कि मेरे को जल्दी से आंसर दे, बट हाँ मैं तुझे पसंद करता हूँ। और ये कहकर केवन वहाँ से चला गया था और वो प्रेजेंट में भी इसियो को यही बोलता है कि जो मैंने बोला उसके बारे में सोचना ज़रूर। और यहाँ पर इसियो की भी फैन फॉलोइंग्स काफ़ी बढ़ रही थी। सुनवू की कलीग उसे आकर बताती है कि किसी भी आइडल का फ्री टाइम हमें नहीं मिल रहा, नेक्स्ट वीक हम अपने प्रोडक्ट का लाइव एडवर्टाइजमेंट कैसे करेंगे। बट इतने में उसकी नज़र इसियो पे जाती है जिसकी ऑलरेडी इतनी फैन फॉलोइंग थी, एंड वो सुनवू को बोलती है कि आइडल की जगह हम किसी इन्फ्लुएंसर से ये लाइव टेलीकास्ट नहीं करवा सकते। और यहाँ पर सभी की नज़र इसियो को देखने लग जाती है और यहाँ पर इसियो भी लाइक क्या करूँ मेरे को क्यों देख रहे हो। एंड वो लाइव एडवर्टाइजमेंट के लिए इसियो को मना लेते हैं, देन ऑफिस वाले सभी डिनर पर गए होते हैं एंड वहाँ पर इसियो और सुनवू वॉक कर रहे होते हैं। और यहाँ पर इसियो सुनवू से सॉरी बोलती है और उसे बताती है कि आपके ना बोलने पर भी मैं यूरा से मिलने गई थी एक्चुअली, बिकॉज उसे लगता है कि हम दोनों इतने क्लोज हैं। मैंने उसे समझाया भी कि ऐसा कुछ नहीं है एंड उसने मेरे को बोला कि अगर मैं टीम टू में चली जाऊंगी तो वो टीम वन के साथ काम करेगी, जिसे सुनकर सुनवू बोलता है कि नहीं मैं नहीं चाहता कि तुम टीम टू में जाओ, और क्या कल से हम लवर्स की तरह मिल सकते हैं। और इतना कहकर सुनवू इसियो को मिशू कर देता है लाइक हद है, ना आई लाइक यू ना आई लव यू, लाइक हद है। नेक्स्ट डे इसियो के साथ लाइव एडवर्टाइजमेंट की प्रैक्टिस करते हैं जो ऑब्वियसली बहुत अच्छी जाती है। और काम खत्म होने के बाद जब इसियो और सुनवू जा रहे होते हैं कितने में सामने से केवन आ जाता है और उन दोनों को साथ देकर बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। और देन सुनवू इसियो को बोलता है कि अब ये मत बोलना कि तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे फ्रेंड के दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं, तुम्हें अपने फ्रेंड से ये बात क्लियर कर लेनी चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी वो तुमसे भी मूव ऑन हो जाए। बट यहाँ पर इसियो के दिल में खुद कन्फ्यूजन थी केवन को लेकर कि वो उसे फ्रेंड मानती है उससे ज़्यादा। यहाँ केवन भी यूरा के साथ अपने लाइव टेलीकास्ट में बिजी हो जाता है और यहाँ सुनवू अपने बॉस के पास जाता है कि वो इसियो को अपने ऑनलाइन मॉडल के तौर पर लेना चाहते हैं, जिस पर उसके बॉस भी एग्री कर देते हैं, साइन कर देते हैं। नेक्स्ट डे इसियो का एक्सीडेंट होने वाला होता है बट केवन टाइम पे आकर उसे बचा लेता है और उसे गालियाँ देने लग जाता है कि बेवकूफ़ है, जब तो रोड पे चल रही है तो फ़ोन क्यों चला रही है, और मेरी आंखें ना तुझसे कभी हटती नहीं है, क्यों है ऐसा। जिसे सुनकर इसियो ना सॉरी बोलती है एंड केवन उसे बोलता है कि आज तेरा लाइव है तो उसमें अच्छे से करना और टीम वन का नाम रोशन करना, और वहाँ से जाने लगता है। बट इसियो उसका हाथ पकड़ती है और उसे सॉरी बोलती है कि पहले एक टाइम था जब तू मेरे दिल में एक फ्रेंड से ज़्यादा था बट अब मैं किसी और को लाइक करती हूँ। और केवन भी वो बात समझता है, वहाँ से बिना कुछ बोले चला जाता है, लाइक वो तरह से मूव ऑन हो गया। इसियो लाइव पर होती है और अपने सामने रखे हुए टीवी से वो स्क्रिप्ट पढ़कर ऑनलाइन प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर रही होती है, बट इतने में सामने वाले टीवी की लाइट चली जाती है और स्क्रिप्ट गुम हो जाती है। और यहाँ पर सभी घबरा जाते हैं कि अब इसियो कैमरे के सामने क्या बोलेगी, बट इसियो कॉन्फिडेंटली पेपर वाली स्क्रिप्ट उठाती है और लाइव कैमरे के सामने फाड़ देती है कि छोड़ो इस स्क्रिप्ट को, मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ करे हैं तो मैं इसके बारे में आपको खुद से बताती हूँ, अगर थोड़े बहुत शब्द इधर उधर हो जाए तो मेरे को माफ़ कर देना। इसियो के टीम के मेंबर भी काफ़ी खुश हो गए होते हैं बिकॉज इसियो ने ये सिचुएशन बहुत प्रोफेशनल वे से हैंडल कर ली होती है। बातों बातों में इसियो के पर्सनल लाइफ के बारे में फैंस क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं कि आपका बॉयफ्रेंड कौन है, जिस पर इसियो बताते हैं कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है और वो और कोई नहीं हमारे टीम लीडर है। और ये सुनकर ऑफिस वाले सारे हैरान, और यहाँ पर इसियो क्या कहते सुनवू को लाइव में बुलाती है। इसियो की लव स्टोरी और उसके बॉयफ्रेंड की वजह से
उनकी लाइव वीडियो के लोग काफ़ी बढ़ रहे थे, पब्लिसिटी भी हो रही थी और उनकी सेल्स भी काफ़ी हाई जा रही थी और 30K लोग लाइव इस टाइम उनको देख रहे थे, जिस वजह से इसियो अपने बॉयफ्रेंड को मिशू करती है और बात करने लग जाती है। बट यहाँ पर सुन वो इसियो को पकड़ कर ढंग से उसको मिशू करता है और जिसको देख कर तो सारे टीम मेम्बर भी हैरान और उनकी लाइव भी इतनी हाई जा रही थी पूछो मत। और ये सब कुछ उनका बॉस भी देख रहा था। नेक्स्ट डे उन दोनों का बॉस उनको अपने रूम में बुलाता है और बताता है कि टीम टू से तुम्हारी सेल्स बेशक थोड़ी कम हुई है पर पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा हुई है और इस वजह से वो इसियो को परमानेंट नौकरी दे देता है इन्फ्लुएंसर की और साथ में उसे बोनस पैसे भी देता है, जिस वजह से इसियो इतनी खुश होती है कि अपने सारे टीम मेम्बर को वो रात का डिनर ऑफर करती है। केवन भी वहाँ दूर खड़ा था और वो अपनी फ्रेंड इसियो के लिए काफ़ी खुश था और उसे चेयर करता है। देन सारे टीम वन के टीम मेंबर रात को डिनर कर रहे होते हैं और यहाँ पर इसियो दिल से भी खुश होती है और वो एक बार फिर से सुनबू को बोलती है कि वो उसे पसंद करती है। यार पूरा ड्रामा खत्म हो गया, सुनबू ने एक बार इसियो को नहीं बोला कि आई लाइक यू या आई लव यू और पूरा ड्रामा खत्म बैंक। सो टेल मी फैमिली डू यू लाइक द स्टोरी? यार हर स्टोरी का मेरे को सेकंड मेन लीड क्यों इतना अच्छा लगता है। चलो छोड़ो, डोंट फॉरगेट टू स्माइल। बाय बाय।